गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर द अपकमिंग आर बी आई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन सो आई एम गुलाबसा योर मेंटोर एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अनादर सेवन और आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट हब्स के बारे में तो रिसेंटली अ बिल दर इज़ अ प्रपोजल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस डी ई एस एच देश बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड द टॉपिक इज दैट द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज ऑफ कमिंग अप विदिफ्टी परसेंट कॉरपोरेशन टैक्स फॉर यूनिट्स इन डेवलपमेंट हब्स बट बिफोर दैट दे आर टू पीसेज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू द फर्स्ट इज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट विद दी लाइव क्लासेज द स्कड्यूलरेडी बीन शेयर विद यू इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट आर वेबसाइट एंड देन यू कैन एनरोल फॉर द सेम apart from that if you've still not downloaded our app please go and visit the google play store any kind of exam related updates live video sessions monthly magazines as well as daily quizzes topper strategies as well as past year papers are available on this app known as anujindal.in and so much of uh, so much of these information will be available to you at one stop solution

टैक्स आपको पता है एनी टैक्स दैट दैट इज इज ऑन द दॉरपोरेट वर्किंग इन इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया इज नॉन एज कॉर्पोरेशन टैक्स एंड द करंट टैक्स स्ट्रक्चर इज इधर 15 परसेंट और 22 परसेंट या तो आप 15 परसेंट टैक्स पे करोगे अगर आप एक कॉरपोरेशन हो या फिर 22 परसेंट टैक्स पे करोगे ये 15 परसेंट कंसेशन किस लिए दिया जाता है दिस इज गिवन टू एनी न्यू यूनिट्स और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दैट इस स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन बिफोर मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अर्यर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की डेडलाइन थी बट फिर कोविड आ गया तो इसलिए वन ईयर की एक्सटेंशन दी गई है सो एनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग विद ऑपरेशन बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर विल बी आज टू पे ओनली फिफ्टीन परसेंट कंसेशनल टैक्स और एनी रेस्ट ऑफ द कंपनीज जो कंपनीज पहले से काम करते आ रहे हैं उनको ट्वेंटी टू परसेंट पे करना पड़ेगा अगर आपको टू थाउजेंड नाइनटीन का बजट याद होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉरपोरेशन टैक्स को डिक्रीज किया था अर्लियर इट वॉज थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से ट्वेंटी टू परसेंट किया गया है इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज द देश फर्स्ट टू पे द टैक्स ऑन टाइम टैक्स चोरी ना करें सेकेंड टू इंसेंटिवाइज देम टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड कम अप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जॉब क्रिएशन होगा जॉब क्रिएशन होगा तो हमारी जी की ग्रोथ होगी ठीक है तो करंट स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया अब नया प्रोपोजल क्या है सो द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज सेनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एनी कंपनी दैट इज गोइंग टू सेटअप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द डेवलपमेंट हब्स विल बी अलाउड टू पे अ कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ये फिफ्टीन परसेंट तो ऑलरेडी था पर ये टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है वो ये कह रहे हैं कि हम दस सालों के लिए उनको कंसेशनल टैक्स रेट प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड दे आर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनि एंड इन दी डेवलपमेंट हब्स अब ये डेवलपमेंट हब्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे बट थोड़े से आगे की स्लाइड्स में अब ये जो प्रपोजल है ये इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ पार्ट ऑफ द देश बिल अब ये रिसेंटली बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है द देश बिल स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल 2022। And this एंड दिस बिल इज़ बेसिकली मेंट टू ओवरहॉल एस वेल एज रीवैम्प द एस एक्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की एक्ट हैं उसको चेंज करने के लिए उसको रिप्लेस करने के लिए ये देश बिल लाया जाएगा एंड देश विल स्टैंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब इसके अंदर कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होती है तो उसको कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्सेस दिया जाएगा दैट इज दे आर अलाउड टू पे 15 परसेंट ऑफ टैक्स एंड दैट टू फॉर 10 इयर्स नाउ व्हाट इज द पॉसिबल बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग विद अ विदेशनल रेट टू दिस डेवलपमेंट हब्स फर्स्ट ये कि जितने भी एस हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है सो दैट दे कैन कंसिडर टू मूव फ्रॉम द एस टू द न्यू डेवलपमेंट हब ताकि वो इधर आए बिकॉज अगर आप चेंज करते हो तो दे आर अ लॉट ऑफ कंप्लाइंसिस एज वेल एज पूरा चेंज हो जाता है राइट यू नीड टू फॉलो विद द कम्पलेक्सिटीज ऑफ द न्यू रूल्स और कोई भी चेंजेस आते हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ता है सेकेंड इट इज़ गोइंग टू इनहेंस द स्कोप ऑफ एस ई जेड स्कोप प्लस द स्किल अगर आप देश बिल के अंदर आ जाते हो सो देर लॉट्स ऑफ इंसेंटिव एज वेल एज बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरिंग हब्स एज वेल एज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो ये जो ये दो बेनिफिट है इस दो बेनिफिट को करने के लिए फर्स्ट मेजर यही है कि हमको इंसेंटिवाइज करना है एसी जेट्स को कि आप आओ और गेट रजिस्टर योर सेल्फ एज सोन एज पॉसिबल विद इन द

उसमें टेबल करने की प्लान कर रहे हैं एज वी ऑन नो देशन ऑफ द पार्लियामेंट बी एमडब्ल्यू आपको पता होना चाहिए द बजट द मानसून एंड द विंटर सेशन तो अब जो मानसून करंट मानसून सेशन है उसमें इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है तो वॉट इज द एम ऑफ दिस देश बिल फर्स्ट टू मेक द एस ई जेड एक्ट वॉट इज एस ई जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कम्प्लाइंट विद दब्ल्यू टी ओ नॉम्स अब एस ई जेड क्या होता है सो स्पेल इकोनॉमिक जोन इसका क्या मतलब होता है सपोज इंडिया राइट सपोज दिस इज इंडिया तो इंडिया के अंदर ही एक जगह है राइट सपोज़ दिस इज़ वन एरिया दिस इज़ वन एरिया दिस इज़ वन एरिया इन एरियाज को दिज आर टेरिटरीज ऑफ इंडिया आप स्पेशल परमीशन देते हो स्पेशल इंसेंटिवस प्रोवाइड करते हो सो दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग योर एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे सेकेंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्लस कम अप विथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सो बेसिकली ये जो एस ई जेड होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द कंट्री बट जो भी टैक्सेशन लॉज होते हैं जो भी बाकी लॉज होते हैं वो सारे इंटरनेशनल माना जाता है तो फॉर टैक्सीपज एस ई जेड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ फॉरन टेरिट्री और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगाया जाता है इनके ऊपर और इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला गया है जस्ट बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं व्हाट कुड बी दिस इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया में ट्रेड करते हो तो आपको ड्यूटी फ्री दिया जाएगा सेकेंड एग्जाम्शन फ्रॉम टैक्सेशन आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा या फिर कंसेशन दिया जाता है थर्ड अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो सपोज यू आर एक्सपोर्टिंग सर्टन थिंग्स फ्रॉम दिस प्लेस देन यू यू आर आर प्रोवाइडेड विद एक्सपोर्ट सब्सिडीज उसके अलावा आपको इम्पोर्ट uh, बिल जो इम्पोर्ट्स होते हैं उस पर आपको कंसेशन मिलते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ रिबेट्स एस वेल एज टैक्स हॉलीडेज आर प्रोवाइडेड टू दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स

नेशन एज वेल राइट हमारी जो इंडिया है अब सबको एक साथ कैटर नहीं कर सकते तो स्पेशल जोन्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन दिस जोन्स आर प्रोवाइडेड विद सर्टेन बेनिफिट्स तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बट जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे थे वो हमारे कंप्लाइंट नहीं थे डब्ल्यू टी ओ नॉम्स के साथ ठीक है वाट वेर दिस नॉर्म्स सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रोवाइडिंग विध सर्टन एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज हम दे रहे थे ठीक है अब ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज था यूएस ने क्लेम किया कि आप जो ये एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो दिस दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग अ फेयर प्ले और अ फेयर कंपटीशन टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अमेरिका तो अमेरिका ने कंप्लेंट की थी डब्ल्यू से कि इंडिया एक्सपोर्ट सब्सिडीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं दिस आर इलीगल और प्रोहिबिटेड सब्सिडीज है एंड बाई प्रोवाइडिंग सच सब्सिडीज इंडिया इज एक्चुअली मेकिंग द कम्पिटिशन नॉट फेयर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया के अमेरिका में द अमेरिकन एक्सपोर्टर्स और द अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग डिफिकल्टी टू कॉप अप विद द कॉम्पिटिटिवनेस लेवल ऑफ एन एस सी जेड इन इंडिया तो ये केस फिर डब्ल्यूटीओ टी ओ के पास गया ये केस डब्ल्यूटीओ टी ओ ने ये रूलिंग रूलिंग जो की वो की अमेरिका के फेवर में और ये बोला कि इंडिया को कि आपको अपने जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं उसको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज दीज आर नॉट कम्प्लायड विथ द डब्ल्यू टी ओ नॉर्म्स ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज ठीक है आप एक्सपोर्ट्स को तब तक ही सब्सिडाइज कर सकते हो जब तक योर इकॉनमी इज नॉट डूइंग वेल सो इन ऑर्डर टू हैव योर प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव और एज कंपटेटिव एज दैट इन अदर नेशंस आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज देते हो बट सिंस इंडिया इज फेयरली डूइंग वेल इन एक्सपोर्टिंग इसलिए आप जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो इससे आप एक्चुअली मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहे हो नाउ हाउ आर यू डिस्टॉर्टिंग द मार्केट प्राइस सिंपल है सपोज कोई गुड है सपोज टीन और लेट्स से एनी मेडिसिन और ड्रग्स अब इंडिया में सेम चीज़ आपको फिफ्टी सपोज फिफ्टी रुपीज में मिल रही है ठीक है फिफ्टी रुपीज़ और वन डॉलर ऐसे मान लेते हैं और सेम चीज़ अगर अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाह रही है तो उसको वो महंगा पड़ रहा है ना उसकी कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है उसकी गवर्नमेंट से तो जो फाइनल प्राइस एट विच आर सेलिंग इज वन पॉइंट वन डॉलर एज अ कंज्यूमर अगर आप कंज्यूमर आप किसके पास जाओगे आप इंडियन गुड्स को प्रेफर करोगे क्योंकि सेम क्वालिटी बट यू आर गेटिंग इट फॉर वन डॉलर एंड हेयर यू आर गेटिंग इट फॉर वन पॉइंट वन डॉलर इस तरीके से जो अमेरिकन एक्सपोर्टर्स हैं वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे एंड विथ टाइम क्या होगा सारे कंज्यूमर्स होंगे वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे की वजह से अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ जाएगा एंड इन द लॉन्ग रन ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ये जो इंडस्ट्री है ये डिक्लाइन ही कर जाए क्योंकि इनको प्रॉफिट मिल नहीं रहा कोई खरीद नहीं रहा चीज़ें तो ये सारी इश्यूज़ हैं इसको रेज किया था यू uh, के गवर्नमेंट ने और रूलिंग भी उनके फेवर में आई है तो उसको कंप्लाइंट बनाने के लिए नॉर्डर टू मेक द एस इज एट कम्पलाइंट विद दी डब्ल्यू टी ए नॉर्म्स दिस देश बिल इज़ बींग प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड तो सबसे पहले डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे उसके बाद इसको लॉ तो बनाया जाएगा राइट right? सो so, इस देश बिल के अंदर क्या किया जाएगा दे विल बी रीविंग एंड री नीमिंग ऑफ दी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स इनटू डेवलपमेंट हब्स इसको अब हम डेवलपमेंट हब्स बोलेंगे और कुछ अलग तरीके से जो कंप्लाइंस वाला पार्ट है ये भी हम फॉलो ठीक है सो वट कुड बी द पॉसिबल बिथ दिस डेवलपमेंट हब्स फर्स्ट

ठीक है उसके बाद 2000 से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एस ई जेड्स को लाए गए और 2005 में एस ई जेड एक्ट आया और 2006 में उसकी रूलिंग्स आए सो so, ये कुछ फैक्चुअल हैं इसको आप ध्यान में रख सकते हो ठीक है अब जो 2005 से लेके अब तक में ये देखा गया है दैट मोर देन वन लाख एकर ऑफ अलॉटेड एस ई जेड्स लैंड आर नॉट यूटिलाईज मतलब यूटिलिटी उनकी हुई नहीं है जिस पर्पज से एसी जेड को लाया गया था कि वो एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा पीपल विल बी इट विल एक्ट एज अ मैन्युफैक्चरिंग पार हाउस फॉर इंडिया कैसे पीपल विल कम इन्वेस्ट एंड विल एंड विल कम अप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन दैट जोन ओनली वो हम अच्छे से uh, नहीं अचीव कर और एज ऑफ नाउ वी हैव वन लाख एकर ऑफ लैंड स्टिल नॉट यूटिलाईज मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है आप क्या करोगे नाउ अंडर दिस देश बिल आप इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे यू विल ट्राई टू कैटर बोथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट को लाओगे तो so दैट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो सके और इसको यूटिलाइज़ कर सके अब इसको यूटिलाइज करने के लिए डेवलपर विल बी वेरी मच हैप्पी और यहाँ पे कुछ भी डेवलप होगा सो एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड जॉब्स विल बी गिवन राइट पीपल विल बी वर्किंग ऑन दिस जॉब्स यहाँ पे इंक्रीज होंगी तो दिस इज़ दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग अप और री फैम्पिंग दो देट देयर इज़ मोर ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज़ आपको सबको पता होगा और हमने ये बोला था अपने बजट में दैट वी वॉन्ट इट फ्रॉम सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग से हमें वन ट्रिलियन चाहिए और सर्विसेज से हमें थ्री ट्रिलियन चाहिए बट जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है इट हैज बिन परफॉर्मिंग वेल बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग टू द मार्क और इसकी जो ग्रोथ है इट इज़ नॉट दैट गुड एंड वन ऑब्वियस रीजन इज बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक तो इसको बूस्ट करने के लिए वी आर ट्राइंग टू कम अप विद दिस देश बिल आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीछे का पूरा लॉजिक सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बट व्हाई व्हाई वी आर ट्राइंग टू रीवैम्थ ऑल टुगेदर एस से इसको हम हम बनाना चाह रहे हैं आई एव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट बट इसको जस्ट मैंशन कर देते हैं फर्स्ट हमारा जो एस सी जेड के एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स थे उन्होंने ये भी बोला था कि आप एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली सब्सिडाइज नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेथ इससे आप क्या कर रहे हो आप मार्केट प्राइसेस को डिस्टॉर्ट कर रहे हो मैंने वो एग्जांपल दिया था राइट स्टील या ड्रग्स की ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन एक इंडिया में आपको वन डॉलर का मिल रहा है यूएस में आपको वन पॉइंट वन डॉलर का मिल रहा है तो कस्टमर्स विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड टू परचेज फ्रॉम इंडिया ओनली प्रोवाइडेड अदर ऑल द दंडीशन आर इक्वल तो इससे आप मार्केट प्राइसिस को डिस्टॉर्ट कर रहे हो यही रीजन है

company the sez company need to have their uh, earnings uh, in forex positive that means unke paas jitna bhi forex hai export minus import iska jo net hoga it should be positive forex matlab aapke paas forex chahiye tha dusri cheez jab bhi suppose this is an sez and they are transporting certain things let's say in mumbai mumbai mein ye dena cha rahe hain ठीक है तो अब अगर मुंबई में ये देना चाह रहे हैं इफ़ दे आर एक्सपोर्टिंग सर्टन थिंग्स सिंस दे आर एक्सपोर्टिंग सर्टन थिंग्स सपोज करो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेडिसिन इफ दे आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन अब ये मुंबई क्या करेगा इस एसी जेड को डॉलर में पे कर ठीक है क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स पर्पसेस के मतलब अगर टैक्स पर्पसेस उधर से देखें पॉइंट ऑफ व्यू से सो तो ये इंटरनेशनल माना जाता है राइट और अ फॉरेन टेरिटरी सो तो वेयर पेंग इन डॉलर टर्म्स बट अगर इसको कुछ एक्सपोर्ट करना था लेट्स सम रॉ मटेरियल तो ये रूपी में कर रहा था यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट यहाँ से इन द सेम कंट्री यू आर पेंग डॉलर राइट अब इस देश स्कीम के अंदर ये चीज को हटा दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे इन डॉनर्स और जरूरी नहीं है कि आपकी जो नेट फॉरक्स है वो पॉजिटिव ही रहे इट कैन नेगेटिव एज वेल और आप डायरेक्टली रुपी में ट्रांजेक्शन्स uh, कर सकते हो तो दिस इज़ अ मेजर इंसेंटिव इससे क्या होगा फर्स्ट अब ये जो मुंबई का सपोज़ कोई पर्सन uh, है कोई बिजनेस मैन है अब इसको डॉलर्स परचेज करने हो रहे होंगे राइट सो ही इज़ डिमांडिंग डॉलर्स जिसकी वजह से हमारी जो रुपी है उस पर भी प्रेशर आ रहा होगा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी आप डायरेक्टली आप डॉलर डायरेक्टली uh, रुपी में आप आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो दूसरी चीज़ ये है कि आप इजिली ट्रांजेक्शन uh, कर सकते हो आपको ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले डॉलर में करो या फिर SCZ को कि डॉलर को आप रुपी में कन्वर्ट तो ऑल दिस जो भी कंप्लेक्सिटीज थी उनको हटा दिया जाएगा उसके अलावा दे आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एन ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल फॉर द ग्रांट ऑफ टाइम बाउंड अप्रूवल्स फॉर रजिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी डेवलपमेंट हब्स तो कोई भी डेवलपमेंट हब आपको रजिस्टर करना है या एस्टेब्लिश करना है तो पहले बहुत सारे सेंट्रल तो लेवल पे था फिर स्टेट लेवल पे था नाउ वी विल ओनली हैव वन सिंगल विंडो पोर्टल जहाँ जिसके थ्रू ईजली आप अप्रूवल ले सकते हो उसके अलावा नाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट्स मोर इजीली। इजीली कैसे होगा डायरेक्टली आप रुपी डिमांड कर सकते हो एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ड्यूटीज ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स तो जो भी एसीजेड जेड के अंदर था जब भी, भी आप फाइनल प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते थे देन यू वर रिक्वायर्ड टू पे सर्टन ड्यूटीज बट नाउ अंडर दिस देश स्कीम अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आपको ड्यूटीज फाइनल प्रोडक्ट इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग सर्टन इनपुट्स सर्टन रॉ मटीरियल्स तब आप उस पर दे सकते हो ड्यूटीज बट फाइनल प्रोडक्ट्स पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ देश स्कीम इसके अलावा यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि जो एस ई जेड था एस ई जेड के अंदर एक जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये भी था कि यहाँ पे बहुत सारे कैटेगराइजेशन किया गया था सपोज करो दिल्ली मुंबई वाला या फिर कोस्टल एरिया वाला कैटेगराइजेशन अब इस स्कीम के अंदर देश स्कीम के अंदर इन सबको इंटीग्रेट करके एक ही होगा एंड दैट विल बी नोन एज द डेवलपमेंट हब राइट देश कहा जाएगा इसको तो दिस इज द बेनिफिट अंदर दि अंडर द देश स्कीम और इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी विल हैव मोर ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स सपोज गुजरात में कुछ एसीजेट्स uh, हैं कुछ महाराष्ट्र में हैं कुछ सपोज uh, करो हिमाचल में हैं तो इन सब ये सारे स्टेट्स के जो गवर्नमेंट होंगे दे विल बी कमिंग टुगेदर एंड अपने अपने स्टेट्स के जितने भी डिविजन हैं एसीजेट्स को इंटीग्रेट करेंगे So सिग्निफिकेंस ऑफ ये पार्लियामेंट uh, में डिस्कशन होगी और चीजें बाहर आएंगी तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल देन तो नाउ लेट्स गेट टू क्वेश्चन, सो दिस आर द टू क्वेश्चन विच यू नीड टू आंसर इन दमेंट सेक्शन लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू सो पहले क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं

Second SEZs are domestic territory and are taxed at the prevalent domestic rates. Third Baba Kalyani Committee is related to रिलेटेड अब एक चीज़ याद रखना जब भी किसी भी uh, किसी भी यूनिट के साथ या किसी भी uh, किसी भी एक्टिविटी के साथ राइट right? या प्रोसेस के साथ या फिर कोई भी चीज़ है उसके साथ कोई भी कमिटी रिलेटेड होती है उसका नाम इम्पोर्टेंट नाम एंड दी ऑब्जेक्टिव क्यों उसको हम किया गया Since this statement this committee, पहले तो ये देखो कि यही कमेटी है जो करती। इसका importance क्या है। Why was this committee तो जब भी questions देखो बस देख के छोड़ मत दो ट्राई टू रीड बियॉन्ड राइट दिस हेल्प यू इन यूर इंटरव्यूज एज वेल और सपोज करो इस पे क्वेश्चन आता है अभी इंटरव्यूज होने वाले हैं आर बी आई के राइट सो वन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूली स्कीम तो आपको बताना पड़ेगा और आपको इंटर रिलेट करना पड़ेगा कि ऐसे में ये कम स्कीम इज गोइंग टू ब्रिंग अपल दिज बेनिफिट ठीक है दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप यू लाइक द सेशन आंसर्स हैजरेडी बिन प्रोवाइडेड प्लस द्री पी डी एफ ऑफ दिस से टेलीग्राम ग्रुप सो This was all for today. I hope you liked the session. Take care and bye bye.